दुनिया में इस समय दो देशों के बीच छिड़ी जंग की चर्चा खूब हो रही है, यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत के लोगों को चिंता सताने लगी है कि भारत के वैसे लोग जो यूक्रेन में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी घर वापसी कैसे होगी। केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार नजरें रखी जा रही है और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जदयू के विधायक राजीव सिंह की बेटी जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करती है वो वहाँ फंस गई है, जिसको लेकर जो बिहार तमाम नेता हैं उनके बारे में जानकारी लेने में जुटे हैं। बिहार बजट सत्र के दौरान राजीव सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में सब कुछ ठीक नहीं है, लगातार वहाँ जो छात्र हैं उन्हें डर सता रही है, उन्हें भारत लाने की सरकार जो है हालांकि कोशिश भी करती नजर आ रही है लेकिन उन्हें वापस आने का जो डर है वो सताया जा रहा है। उनकी बेटी भी वहाँ रहकर पढ़ाई करती है, उनकी घर वापसी को लेकर भी जो चर्चा है और लगातार बात जो है वो सरकार से कर रहे हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजीव सिंह, आप भी सुने। आपकी बेटी वहाँ पढ़ने गई थी, क्या कंडीशन है अभी वहाँ की? कंडीशन वहाँ ठीक ठाक है, जिस एरिया में मेरी बेटी है वो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में है और यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वही डिस्टर्ब है और वहाँ के दूतावास से जो है कहा गया है हमारे बच्ची को और दूसरे जो इनके साथ बच्चियाँ पढ़ती है उनको कहा गया है कि सामान पैक करके रखिए, आपको यहाँ से जो रोमानिया का है, रोमानिया वहाँ से 30 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है, वहाँ हम सुरक्षित रखेंगे आपको। अब बाद में फिर जैसा सिचुएशन होगा आपकी बेटी वहाँ क्या करने गई थी? मेडिकल करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई जी? नहीं, इस मुद्दे नहीं। पर वहाँ अभी आपने बातचीत किया क्या, कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है। क्या बात हुई उनसे, क्या उन्होंने बताया? सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग है भाई जी, अब रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। बोलेंगे आप सुन लीजिए और संतुष्ट हो जाइएगा। हैं पापा, हमारी ना सारी पैकिंग हो गई है और यहाँ पे बोला गया है हमें कि सारे लगे जितने भी है ना वो यहाँ पे हॉस्टल रूम में छोड़ देने, बस एक हैंड बैग में सारे एसेंशियल लेके चले जाने के लिए और हमें ना रोमानिया के बॉर्डर से लेके चले जाएंगे आराम से, यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है। तो फिर सब जा रहे हैं हम लोग, हर कोई भैया दी लोग जितने भी सीनियर्स है ना सभी आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमें बुला रही है तो हमें जाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, सब एकदम आराम से सब कुछ पीसफुली हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। बट अब इंडियन बस हो गया। कौन से शहर में है आपकी बेटी भाई? बुको बेनिया यूनिवर्सिटी है, वहीं। तो देखा आपने कि विधायक साहब यहाँ पर, तो आपने जदयू के विधायक राजीव सिंह को सुना, उनकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई हुई है और वहाँ पर जिस तरीके से जंग छिड़ी है उस जंग में जो है बाहर नहीं आ पा रही है, यूक्रेन से बाहर लाने की जो कोशिश है वो सरकार के द्वारा की जा रही है लेकिन जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है और हर दिन गोलीबारी की घटना जो है वो निकल कर सामने आ रही है, तो ऐसे में डर सताने लगा है कि वहाँ पढ़ रहे छात्रों की जो है वो घर वापसी कैसे होगी। और जदयू के विधायक की बेटी की घर वापसी को लेकर भी जदयू के विधायक को जो है काफ़ी चिंता सता रही है। खबरों के साथ हम जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए।